खबर गाजीपुर के जवाने से, जहां बार एसोसिएशन ने तहसील में फैले भ्रष्टाचार सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोरखनाथ सिंह ने बताया कि तहसीलदार के पेशकार के विरुद्ध और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वाद कार्यों के किए जा रहे शोषण के विरुद्ध बीते 22 सितंबर को बार संघ जवाने अनवरत रूप से न्यायिक कार्य बहिष्कार कर रहे, जहां पूर्व सूचना के तहत सोमवार से अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कहा कि आगामी 26 नवंबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 27 नवंबर से पुनः उग्र धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। गाजीपुर जवाना से आजाद शाह की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? ऐसा है कि हम लोगों का धरना प्रदर्शन, हम लोगों की मांग है, आज हम लोगों का प्रस्ताव चल रहा है 7 अक्टूबर 2020 से तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और सिलेंडर पेशकार जो तहसीलदार का पेशकार है, ऐसा है कि ऐसा पेशकार तो कोई नहीं आज तक मिला। पैसा लेता है, काम भी नहीं करता है, पैसा लेकर के 5-5, 6-6 महीने साल साल भर पत्रावलियों को दबाए रहता है और कई पत्रावलियां तो गायब कर दिया। वो अधिकारी आकर हम लोगों से पूछते हैं, जवाब मांगते हैं, हम लोग क्या जवाब दें, जब पत्रावली ही नहीं मिलेगी, आदेश ही नहीं होगा, हम लोग बहुत यहाँ काम करके क्या करेंगे। इस और तहसील में कोई भी पटल ऐसा नहीं है कि बिना पैसा लिए कोई काम होता है, और यहाँ कर्मचारियों की व्यवस्था ही नहीं आज तक प्रशासन कर पे, हम लोगों ने पूर्वाधिकारी एक साल दो साल से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति हो, लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है, प्राइवेट को रखकर धनुगाई कराया जा रहा है, और किसी भी कोई तो कार्यालय एक भी कर्मचारी नहीं, केवल प्राइवेट के भरोसे है, तो प्राइवेट रहेंगे तो जनता का दोहन होगा, हम लोग बदनाम होंगे और कर्मचारियों पूर्वाधिकारियों का काम नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों के 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग 7 अक्टूबर से ही लिखा पढ़ी कर रहे हैं, डीएम को हर जगह हम लोगों ने भेजा, पिछली बार वार्ता के लिए डीएम जमानिया ने बुलाया, लेकिन वो भी उल्टा सीधा कहे कि आप लोग काम करें या न करें, हम कोर्ट पर बैठेंगे, हम कर्मचारी कहाँ से लाएं। तो ये स्थिति, इसी को लेकर हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि जब तक से हम लोगों की मांग नहीं होती है, 7 सूत्री मांग हम लोगों ने दिया है, नई मांग पूरी होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और न्याय कार्य से विरत रहेंगे। सर, आज तहसील परिसर में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ता धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और तहसील के ही एक लेखपाल के खिलाफ भी उनकी कुछ मांगे हैं, क्या है मामला और किस तरह से निस्तारण इसका होगा? उनकी बैठक पहले भी हुई, उनके साथ हमने बैठक की हुई है, उनकी 7 सूत्रीय मांगों पे हम जो है बातें हमने इनसे किया अभी तक, और जो लेखपालों को लेके मांग है उसका भी हम अभी उसका हम उस पर काम कर रहे हैं, और हमारे तहसीलदार साहब के जो पेशकार हैं उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं, तो उसके खिलाफ जो आरोप है उसको प्रस्ताव बना के डीएम सर के पास भेजा जा चुका है, और अब जैसा डीएम सर जैसा आदेश देंगे वैसा ही हम मतलब उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में मतलब स्थानांतरण तो नहीं होता है बाबुओं का, ये डीएम स्तर पर ही स्थानांतरण होता है।